इसे गरम करके मैं और मिथुन शायद एक एक बाइट लेंगे और ये आर्यन का ब्रेकफास्ट बन जाएगा। If the wind could spread your love. मैं गई थी बाहर और मिथुन आज क्या लेके आ गए, मतलब कभी भी ये मुझे सरप्राइज नहीं देते, हमेशा मुझे पूछ के ही कोई चीज लाते। वैलेंटाइन डे को इस साल मतलब 15 इयर्स हमारा मैरिज एनिवर्सरी का, तो वो तो दिया ही दिया, जो सरप्राइज देना था वैलेंटाइन डे में भी कुछ सरप्राइज उन्होंने प्लान किया मुझे। तो कहां से लिया ये? वाओ आर्यन, मम्मी जी केक देख, और है एक ये, पता नहीं ये कहाँ से ओपन, कहाँ से करूँ इसे, निकालूँ? ओके ओके, क्या ये ब्राउनी? ब्राउनी, वाओ, फिर वो रॉट है, ओ इसलिए इतना अच्छा खुशबू आ रहा था। लेकिन ये तुम आज खा नहीं पाओगी। फाइन, चिकन का मंगवाया? मतलब ये मैंने पूरा एक सरप्राइज प्लान किया, मैं भूल गया था कि आज ट्यूसडे है, ये ऑर्डर 3 दिन पहले दिया हुआ है। ओके, आज का ऑर्डर नहीं है कि मैं जाके उठा के लेके आया। केक फिर एगलेस है या केक के साथ, वो तो पता नहीं। केक एगलेस है। एगलेस है केक? हाँ, तब ठीक है। और चॉकलेट में शायद एग यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलो ये रख देते हैं, ये कल खाएंगे। वैसे भी आपको और एक चीज दिखाना था, एक गुड न्यूज है मतलब हम सबके लिए। तो कल हम गए थे एक्चुअली हमारे नए घर के लिए हॉब, वॉशिंग मशीन और ड्रायर लेने, साथ में चिमनी भी लेने गए थे, लेकिन उसका साइज का कुछ इशू था, पर हम इंटीरियर वाले के साथ बात किए थे तो इंटीरियर वालों ने कहा कि वो वाला चिमनी चल जाएगा, मतलब हो जाएगा साइज में। तो उनकी तरफ से जो गिफ्ट दिया है वो भी मुझे इसलिए इतना अच्छा लगा क्योंकि ये महालक्ष्मी का फोटो, महालक्ष्मी जी, क्योंकि हमारे नए घर में पहला परचेजिंग हमने किया है हॉब, जो कि लक्ष्मी जी का एक रूप है, मतलब वहां पे हमारे घर का खाना बनता है। और उसके साथ ये कैलेंडर, मतलब ये कैलेंडर भी हमें मिला है जो कि है महालक्ष्मी जी का। एकदम दोनों बैठ गए हैं यहाँ पे कॉर्नर पे। ओ ये लिली, हाँ मिलेगा मिलेगा, डाटा 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 के पास, डाटा के पास, बाबू बाबू डाटा के पास, अरे डाटा डाटा डाटा, ऑस्कर कम कम खा लो बाबा, ऑस्कर ऐसे नहीं करते बाबा, थोड़ा सा खा लो, इसे कुछ खाने में इतना नखरा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे और आजकल रात तक जागना पड़ता है, आर्यन का एग्जाम है तो इसलिए उसके साथ, तो उसके बाद जब सोती हूँ तो कब 5 बज जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। 5 बजे 1 घंटा 1.5 घंटा मैं वॉक करती हूँ, उसके बाद ना थोड़ा सा आके फिर से मैं बेड में लेट जाती हूँ, मतलब आंखें तब खोला नहीं जाता, सारी चीजें मेंटेन करना है तो थोड़ा सा खुद को तो रेस्ट देना ही पड़ेगा ना। बाय द वे चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं फ्रेश हो जाते हैं। What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. पूरी रात स्किन से खूब सारा ऑयल रिलीज होता है, बेसिकली सीबम रिलीज होता है, और ये अगर पोर्स के अंदर फंस जाए ना तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स ला सकता है। तो इसलिए सुबह जागने के बाद मैं सबसे पहले अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। पहले भी शायद किसी व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मैं सुबह उठने के बाद जो यूज़ करती हूँ वो है डर्मा वाइप का हाइड्रा क्लींजर। और पता है ये फेस वॉश मुझे इतना पसंद क्यों है? क्योंकि ये ओटमील फेस वॉश है और ये हर टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है, इंक्लूडिंग सेंसिटिव स्किन। एंड आफ्टर यूजिंग दिस यू विल फील योर स्किन क्लीन, सॉफ्ट एंड ब्राइट। और उसके बाद मैं अपने फेस पे यूज करने वाली हूँ न्यूट्रीराम का विटामिन ई मॉइस्चराइजिंग लोशन। और जबकि है इसमें विटामिन ई, तो ये बहुत देर तक आपके फेस को मॉइस्चराइज रखते हैं, और मुझे लगता है कि ये थ्रू आउट द ईयर इंक्लूडिंग विंटर बहुत जरूरत पड़ने वाली है।
जबकि विटामिन ई इसमें है तो दिमाग में रहता है बहुत ज़्यादा चिपचिपा होगा। तो मैं जो यूज़ कर रही हूँ आपके सामने, आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से मेरे स्किन इसे सोक कर लेते हैं और बिल्कुल भी चिपचिपाहट फीलिंग्स नहीं होता। पर हाँ, आपका स्किन हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज रहता है। और सिर्फ फेस से नहीं, हमें सारे एक्सपोज्ड एरिया को भी हाइड्रेट एंड मॉइस्चराइज रखने की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं डर्मावाइब का मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज कर रही हूँ अपने हाथ पे, क्योंकि हाथ भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा काम का दिन का सब हमें हाथ से ही करना पड़ता है, और जो भी आप स्टाइलिश कपड़े पहने तो आपका हाथ ही तो दिखेगा। दिस इज वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन। ये सारे ऑस्ट्रेलियन प्रोडक्ट है, फिर भी इसका जो प्राइस है वो क्वाइट रिजनेबल है। अगर ये सारे प्रोडक्ट्स आपको ट्राई करना है, मैं तो बोलूंगी जरूर एक बार ट्राई करके देखना। तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसमें क्लिक करके ये सारे प्रोडक्ट्स को रीच कर सकते हो, एक बार चेकआउट तो जरूर करना। तो ये रहा मिथुन का केक कल का, जो कि आज हम खाने वाले हैं, और ऑस्कर मैंने तो कल ही इसे एंजॉय कर लिए है ऑलरेडी। और ये जो क्लिश है, चिकन क्लिश मिथुन, ओके, इसे गरम करके मैं और मिथुन शायद एक एक बाइट लेंगे और ये आर्यन का ब्रेकफास्ट बन जाएगा। क्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन है मैं बहुत मतलब कंफ्यूज हूँ, कभी क्लिश बोलते है कभी क्लिशे बोलते है, अभी क्या एक्चुअली नहीं पता। खाने में सेम लगता है, खाने में सेम लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, इनफ है। तो अभी मैं इसे गर्म कर देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोग भी एक एक बाइट ले लेंगे और ये मतलब काफी बड़ा भी है और हेवी भी है, तो आर्यन का ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। तो आज चाय बनाने से पहले लंच के लिए कुछ तैयारी कर लूंगी, जैसे कि आज बीट और गाजर ये दोनों ही स्टीम में दूंगी, और स्टीम वाला जो बीट और गाजर होता है ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है, और थोड़ा सा अगर कर्ट का अब डीप बना लो तो उसके साथ तो ये और भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये होगा हमारा आज का लंच का एक छोटा सा रेसिपी, और उसके साथ कुछ और भी होगा वो आगे आगे मैं आपको बताती जाऊंगी। Birds will sing about your heart, maybe the trees will whisper the word, maybe the sun will spread your joy to the ones। कल अगर खाते ना तो और भी ज्यादा टेस्ट लगता, क्योंकि पेस्ट्री फ्रिज में रखने के बाद उतना टेस्ट नहीं रहता। पर रिद्धि एकदम प्योर बटर से बनाती है, क्योंकि और सारे जगह पे जो प्योर बटर को यूज नहीं किया था, अनसॉल्टेड बटर है। देखा मैंने। अमेजिंग टेस्ट। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू रिद्धि। मुझे ही नहीं खिलाया है। जब तो मैं चाय ला रहे थे तब तक तो तुम खा ही रहे थे। कहां अपने हाथों से खिलाएगी वो, ना मैं लेके खुद खा रहा हूँ। टेस्ट सेम है। यही होता है वैलेंटाइन। टेस्ट सेम है। सेम है टेस्ट। फर्क आया टेस्ट में। अच्छा कम है। अच्छा, अपने हाथों से खिलाती तो मीठा थोड़ा ज्यादा होता, डायबिटीज का चांसेस होता। तो ये जो आप देख रहे हो ये है बासा फिश, तो इसे आज मैं बेक करूंगी। तो बेक्ड बासा फिश के साथ स्टीम्ड वेजिटेबल्स बहुत अच्छा जाएगा। तो इसके लिए मुझे जो भी साइज मुझे चाहिए तो वो साइज में मैं इसे कट कर लूंगी, और उसके साथ मैं ऐड करूंगी लेमन जूस, गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक, देन बेजिल, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स। तो इसके साथ मैं इसे मैरिनेट करके रख दूंगी फ्रिज में, और जितना टाइम तक आप रखना चाहो, तो मेरे पास बस दोपहर तक ही टाइम है, तो तब तक मैं इसे मैरिनेट करके रखूंगी। और जब मैं इसे बेक करूंगी ना, तो उससे पहले मैं इसके ऊपर थोड़ा सा चीज स्प्रेड करूंगी, पर पिज्जा जैसा उतना नहीं, पर टेक्सचर के लिए मैं चीज यूज करूंगी। तो अभी 3 घंटे हो चुके हैं, तो अभी मैं ये फिश को बनाऊंगी। अब देखो कितनी अच्छी तरह से मैरिनेट भी हो चुका है, और लेमन देने के कारण थोड़ा सा व्हाइट भी हो चुका है। तो ये रहा सारे टमाटर, प्याज और कई सारे इंग्रेडिएंट्स जो कि मुझे थोड़ा सा कुक करना है कढ़ाई में, और उसके बाद मैं फिश के ऊपर इसे स्प्रेड करूंगी, फिर इसे बेक करने के लिए दूंगी। तो यहाँ पे मैंने यूज की है व्हाइट अनियंस, टमाटर, चॉप्ड गार्लिक, ऑरेगानो, ब्लैक पेपर, बेजिल्स और थोड़ा सा सॉल्ट, और इसके साथ थोड़ा सा मुझे इसे कुक करना है, और ये सारी चीजों को मैं बटर में कुक करूंगी, क्योंकि बटर में ऐसे बेक्ड चीजें ना बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है।
अब अगर चाहे तो इसे व्हाइट ऑयल में भी कर सकते हो। तो अभी प्रिपेयर हो चुका है मेरा ये मसाला। तो अभी मैं क्या करूँगी, फिश को कवर से निकालूंगी और ये फिश जैसे कि सेट किया हुआ है ना बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। और इस मसाले को टमाटर अनियन का जो मिक्सचर है इसे मैं अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी फिश में चारों तरफ और उसके ऊपर, और कोई भी चीज़ नहीं, सिर्फ चीज़। तो चीज़ भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा या कम। मैं थोड़ा कम ही डालूंगी क्योंकि ज़्यादा चीज़ यूज़ नहीं करना है, पर इस डिश में चीज़ ज़रूरी है तो इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये चीज़ से ही बनता है। और कौन सा चीज़ आप यूज़ करें ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मैं तो ये सिंपल सा मोज़रेला जो कि घर में हमेशा रहता है तो वही चीज़ यूज़ कर रही हूँ। और अभी बन जाने के बाद देखना कितना अच्छा लगता है। एक्चुअली मिथुन कल मुझे सरप्राइज किया था तो आज मैं मिथुन को सरप्राइज करूंगी। मिथुन गए हैं गैस बुक करने तो वो आए, उससे पहले मैं डाइनिंग टेबल रेडी रखना चाहती हूँ लंच के लिए। और मैं क्या क्या बना रही हूँ वो तो आपको पता ही है, पर आज मैं एक स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगी जो कि वाटरमेलन जूस से बनता है। जूस ऑलरेडी बना के रखी है, उसके साथ या तो सोडा या तो स्प्राइट ऐसा कुछ मुझे चाहिए था, लेमन चाहिए था। और जबकि घर पे बेसिल है तो इसके साथ मैं ये ड्रिंक प्रिपेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम सर्व करेंगे स्टीम्ड वेजिटेबल्स। और फिश का जो रेसिपी बना रही हूँ ना उसके साथ ब्रेड सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, मतलब इसके साथ रोटी या राइस कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो दो ब्रेड मैंने स्विगी इंस्टेंट से मंगवा ली है, ये कट कर लेते हैं। एक्चुअली दूसरे टाइप का ब्रेड चाहिए था मुझे, जो फ्रेंच लोफ में वो सारे ब्रेड्स मिलते हैं वो ब्रेड बहुत ही अच्छा होता है और ऐसे डिशेस के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है, पर ये एक्चुअली नॉर्मल ब्रेड है पर दूसरे शेप का। तो फिश है अभी ओवन में, तो तब तक मैं मॉकटेल बना लूंगी क्योंकि मिथुन ने अभी पार्किंग में, मिथुन इतना जल्दी चले आएंगे मुझे पता नहीं था। मैं ऑलरेडी वाटरमेलन जूस बना के रखी है तो सबसे पहले मैं ग्लास में डालूंगी आइस क्यूब्स और उसके बाद एक लेमन का स्लाइस, देन बेसिल और उसके बाद ऐड करूंगी वाटरमेलन जूस और हाफ ग्लास वाटरमेलन जूस और हाफ से थोड़ा सा कम, मतलब ग्लास में आप देख लेना जितना आपको जरूरत है उस हिसाब से स्प्राइट या तो कोई सोडा ऐड कर लेना, बस हो जाएगा। और गार्निशिंग के लिए आपको जो भी अच्छा लगे, या तो वाटरमेलन का स्लाइसेस या तो आप लेमन का स्लाइस या तो बेसिल भी यूज कर सकते, मतलब जो भी मन करे उस हिसाब से आप गार्निश कर सकते हो। एक्चुअली इतना जल्दी आ जाओगे मुझे कोई आइडिया नहीं था, मैं तो बोल के गया था ना एक घंटा एक डेढ़ घंटा में चलाऊंगा, ये देखो अभी आ गया ना इसीलिए। तो ये था एक्चुअली तुम्हारे लिए सरप्राइज, इसमें क्या क्या है वो मैं नहीं बोलूंगी पर पीके बस देखना कि कैसा बना। और हाँ, ये दिखने में वैसे बहुत अच्छा हुआ है तो अगर आप चाहो तो इसका फोटो खींच सकते हो अपने इंस्टा के लिए। आर्या राजा बाबू, डैडा अगर ज्यादा टाइम तक घर पे नहीं रहता है ना तो इसका ये हालत होता है। अरे इतना प्यार, क्या चाहिए क्या डैडा से। What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars.